कमला माची बकरियावाल के सरपंच को हमारे घर में लेकर आ गई और संग्राम सिंह ने उनको बाबूजी की पाबंदी के बारे में सब कुछ बता दिया। इससे बात बहुत आगे बढ़ गई। रघुवीर बाबूजी अपने असूलों के पक्के ठहरे, चुपचाप सजा मान ली और घर छोड़कर चले गए। ताऊ जी आप ही सोचिए, इतनी बड़ी सजा मिली, वो भी उस काम के लिए जो उनके मन के इतने करीब से, कुश्ती की ट्रेनिंग, जिस चीज से इतना प्यार करते हैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए। ताऊ जी तो यो ऊपर वाला ही जाने के रघुवीर बाबू जी गांव में और घर में कभी लौट के आएंगे बेकी ना। इतनी बड़ी बात हो गई है, इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे फोन करके बताने की जरूरत भी ना समझी। मैं बोल के गया था कमला से कि कमला तू जो भी फैसला ले सोच समझ के लेना और सही लेना, और उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मेरे भाई के साथ कठोर फैसला लिया और मारे को पूछा तक नहीं, मारे को बताया तक नहीं, मारी राय नहीं ली उसने। कमला ना 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 माजी, ऐसा ना करो, आपको मारी कसम, ऐसा ना करो माजी, अब नीचे उतर जाओ, हम लोगों के साथ ना रहना है के? मत रोक, मन मर जान दे माजी। अरे माँ, माँ क्या करी है, उतारी नहीं। अरे माँ हटाओ इसे। खबरदार, जो मने आज किसी ने भी हाथ लगाया यार रोक क्या, मने मर जान दे। यो दुनिया यो मैं भी लगता ये काम की नहीं है मेरे, मने नहीं रहना इस दुनिया में। आ देखो ना राणा जी, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सुनी ना रही है, मारे को धक्का देके ऊपर चढ़ गई। ए कमला बावली होगी के, ये के बाल में चारे खेलते हैं। ना ना कोने राणा के बापू, मने मर जान दो, इस जीवन में मैं थारा साथ कौन दे सकती। राणा के बापू मैं सरपंच नहीं हो के भी हालात क्या तू इतनी मजबूर होगी, मेरे सामने मेरे देवर जी को गांव से लिकाड़ा जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मेरा जीना ही बेकार है, मेरे लिए तो मर जाना ही ठीक से। राणा के बापू एक काम और कर देना, मेरी आखिरी इच्छा से मेरे मरते इस पिंकी ने जहर दे के मार दियो, क्या क्या करेगी मेरे बिना, क्योंकि देवर जी की सजा के पीछे हम दोनों का हाथ है।